नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिम स्टडी में। आज हम कांगड़ा जिले के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये इसका पहला पार्ट रहेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किस मुद्दे पर राजा अनिरुद्ध चंद ने महाराजा रणजीत सिंह के समक्ष झुकने की बजाय राजगद्दी का प्रत्याग करने की ठान ली थी? ऑप्शन सी, मियाँ ध्यानचंद के परिवार में अपनी बहन का विवाह करके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र वह राजवंश जिसका उद्भव हिमाचल प्रदेश में हुआ एवं जिसके अस्तित्व का आवर्जन से कोई लेना देना नहीं है? ऑप्शन बी, कटोच वंश इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रिटिश दंडनायक के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में उस समय भी एक व्यवस्थित शासन तंत्र विद्यमान था जब महान रोमन साम्राज्य भी शैशवावस्था में था? ऑप्शन बी, कांगड़ा इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले का घोराण नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी, वहां लोग जादू से रोग मुक्त होने के लिए एकत्रित होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा को गोरखों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए राजा संसार चंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी थी, ये सहायता प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन सी, महाराजा रणजीत सिंह से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्राचीन काल में त्रिगत क्षेत्र का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन डी, उन्ना इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिब्बा राज्य का जन्म किस रियासत से अलग होकर हुआ था अथवा शिब्बा राज्य की किसकी प्रशाखा थी? तो ऑप्शन सी, गुलेर इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पुराना नाम केरग्राम था? तो ऑप्शन ए, बैजनाथ इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का प्राचीनतम राजवंशी प्रदेश त्रिगत का नाम से जाना जाता है, इसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी, प्रिंस सुशर्म चंद्र इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में नागरकोट के किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन बी, सुशर्म चंद्र इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेर का वह शासक जिसके शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया था? तो ऑप्शन डी, मान सिंह को शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके विद्रोह बिगुल फूंका था? तो ऑप्शन सी, बीदी चंद इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी की संधि निम्न में से किसके बीच हुई? ऑप्शन सी, संसार चंद रणजीत सिंह इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कांगड़ा जिला में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन डी, पंचपुला इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर का पुराना नाम था? तो ऑप्शन ए, धमेरी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामिन नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का नया नाम है? ऑप्शन ए, नूरपुर इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिगत किस स्थान का प्राचीन नाम था? तो ऑप्शन सी, कांगड़ा इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पहाड़ी रियासत का नाम बताइए? ऑप्शन ए, त्रिगर्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार चंद कहाँ का राजा था? ऑप्शन सी, कांगड़ा इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कटोच वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए, सुशर्म चंद इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाई लामा धर्मशाला आए थे? तो ऑप्शन सी, 1959 में इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा किला जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, ए और बी, नागरकोट और भीमकोट के नाम से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो ऑप्शन सी, त्रिगर्त इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्मया तपोवन आश्रम किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन डी, कांगड़ा इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1948 ईस्वी में
हिमाचल प्रदेश का नूरपुर राज्य वह पहला राज्य था जहां ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के नेता थे तो ऑप्शन बी राम सिंह पठानिया इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेर रियासत की स्थापना 1405 ईस्वी में हुई, ये किसने की थी? सबसे पहले तो आपको इसकी डेट याद रखनी है, कब हुई थी 1405 में, क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो किसने की थी, तो ऑप्शन बी हरिचंद ने इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया की मृत्यु कहाँ हुई थी? जिन्होंने द्वितीय अंग्रेज सिंह युद्ध के दौरान अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया था। ऑप्शन बी सिंगापुर इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि ने तिरुगतों का उल्लेख आयुधजीवी संघ के रूप में किया है, आयुधजीवी से अभिप्राय है? तो ऑप्शन बी लड़ाकू प्रजाति इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा का प्राचीन नाम था तो त्रिगर्थ इज द राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन में ऐसे हों, नागरकोट और त्रिगर्थ दोनों ही इसके प्राचीन नाम हैं, लेकिन अगर ये दोनों हो तो आपको त्रिगर्थ चूज़ करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में कांगड़ा राज्य का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए त्रिगर्थ इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा पर चढ़ाई करने के लिए गोरखों को किस राजा ने बुलाया था? तो ऑप्शन सी ईश्वरी सेन इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कांगड़ा मुख्यालय को कब धर्मशाला स्थानांतरित किया था? तो 32 का ऑप्शन सी 1846 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी राज्यों में मामलों में अनुसूचित हस्तक्षेप के कारण पंजाब के सूबेदार रियाज बेग के खिलाफ बने परिसंघ कौन अलग रहा था? तो 33 का ऑप्शन डी जगत सिंह कांगड़ा इज द राइट आंसर। दोस्तों इस पार्ट में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।